अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फनी क्वीन। ओए सुनो, वीडियो स्किप मत करना, देखते रहना, बहुत मजा आएगा। छोटी ईद भी गुजर गई ते बड़ी ईद भी मना ली, हुन सारे 14 अगस्त दे पीछे पै जाओ। मैंने पूरी ज़िंदगी में पाकिस्तानी रुपया सिर्फ 2 दफ़ा ऊपर जाते हुए देखा है, एक टास्क के वक्त और दूसरा डांस के वक्त। तहकीक से साबित हुआ है कि सबसे ज़्यादा समझ आने वाली ज़बान जूतों वाली है। एक दिन ज़रूर आएगा, क्योंकि 2 दिन एक साथ नहीं आ सकते। वैसे जब बंदा बारिश की वजह से फिसलता है तो ये नहीं देखता कि मुझे चोट कहाँ लगी है, ये देखता है कि मुझे किसी ने देखा तो नहीं। रिश्तेदारों के नेक स्टेटस देखकर लगता है ख़ानदान में ख़राब तो बस मैं ही हूँ। हमारे पड़ोसियों ने हमारे फ्रिज में खीर ठंडी करने के लिए रखी है। ये मेरा 10वां चम्मच है, चेक कर रही हूँ ठंडी हो गई या नहीं। अगर लड़का मुंह धो रहा है तो इसका मतलब वो बाहर जा रहा है, और अगर लड़की मुंह धो रही है तो इसका मतलब अब कहीं नहीं जाएगी। मैंने ज़िंदगी को बहुत करीब से देखा, ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही नुक्ते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम से पता चला बारिश हो रही है, मैं तो अंधी हूँ। बस करो भाई, हमारी छत से भी वही आसमान नज़र आ रहा है। भाई बहुत अच्छे होते हैं, छिपकली और कॉकरोच भगाने के काम आते हैं। 4 शादियों की ख्वाहिश रखने वाले हजरात अपनी बीवी को 4 मुख्तलिफ नामों से पुकार लिया करे ताकि उनकी रूह को तसल्ली मिले। रोजाना 1 लीमू और 1 चम्मच शहद गर्म पानी में डालकर पीने से 2 माह में 3 किलो लीमू और 1.5 किलो शहद खत्म हो जाता है। बाहर के मुल्कों में बारिश होती है तो शादीशुदा जोड़े मिलकर इंजॉय करते हैं, और हमारे वाले चल जाके पकौड़े बना। अगर मर्द कहे कि ठीक है तो इसका मतलब लड़ाई ख़त्म, और अगर औरत कहे कि ठीक है तो समझे कि लड़ाई अभी शुरू हुई है। बहुत से नौजवान शादी से डरते हैं कि बेगम बर्तन धुलवाएगी। ओ पागलो, 10 मिनट लगते हैं बर्तन धुल जाते हैं। तो ऐसे ही मज़ेदार सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आप तक बाग बाग के पहुँचे। और आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।